तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और अपने डिवाइस में लॉक स्क्रीन मैगजीन वाले फीचर को इनेबल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। देखिए, फिलहाल आप देख सकते हैं हमने लॉक स्क्रीन मैगजीन को जो इनेबल नहीं किया हुआ है, तो इससे हमारा जो वॉलपेपर का चेंजिंग वाला फीचर है वो देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पे आपको पता है कि कई सारे डिवाइस में लॉक स्क्रीन मैगजीन वाला फीचर जो है वो चेंज कर दिया गया, मतलब कुछ अलग तरीके से आपको ऑन करना पड़ेगा। अब कैसे ऑन करना है वो मैं बताने वाला हूं, और जो जैसे आप इसको ऑन करेंगे ना तो ये जो आपको वॉलपेपर चेंजिंग वाला फीचर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉलपेपर चेंजिंग जो है इस जो है यहाँ पे लॉक स्क्रीन में सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो इंटरनेट के थ्रू जो वॉलपेपर अपडेट होंगे वो भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। और सारे यहाँ पे जो वॉलपेपर जो है नेक्स्ट आप मतलब जितनी बार लॉक करेंगे अनलॉक करेंगे ऐसे बार बार ऑन ऑफ करेंगे ना तो आपका वॉलपेपर हर बार पर टाइम जो यहाँ पे चेंज होने वाला है। फिलहाल देख सकते हैं कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो कैसे इनेबल करना है पूरी इन्फॉर्मेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं Realme डिवाइस में लॉक स्क्रीन मैगजीन वाले फीचर को कैसे इनेबल करना है। तो मैंने अभी आपको दिखा दिया मेरा वॉलपेपर चेंज नहीं हो रहा है, तो इस फीचर को मैं इनेबल करने वाला हूं। तो देखिए, इस फीचर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस का सेटिंग पैनल ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग पैनल को ओपन करेंगे तो यहां पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में चले आना है, स्क्रॉल कर लेना है नीचे की साइड में। देन आपको जो है जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो यहां पे एक फीचर मिलता है ग्लैंस फॉर Realme, इसको सिंपली टैप कर देना है, ठीक है। जैसे आप टैप करेंगे तो ये आपका फीचर जो है यहां पे डिसेबल होने वाला है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या होगा कि इस फीचर को सिंपली जो है यहां पे इनेबल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको इनेबल कर लेते हैं। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो यहां पे अगर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है तो सिंपल आप अपडेट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, अगर आपका डिवाइस कनेक्ट इंटरनेट की अगर आपके डिवाइस में, और इन केस अगर नहीं भी करना चाहते तब भी आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो मोबाइल डेटा के थ्रू जो यहां पे वॉलपेपर चेंजिंग वाला फीचर अगर आपको चाहिए तो इस वाले फीचर को इनेबल कर सकते हैं, अपडेट कंटेंट यूजिंग मोबाइल डेटा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आपका डिवाइस जैसे इंटरनेट से कनेक्ट हो वहां पे कंटेंट मतलब जो भी वॉलपेपर है वो चेंज हो इंटरनेट के थ्रू जो भी हो तो उसको भी आप चाहे तो इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं दोनों फीचर आपको ये भी इनेबल रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने इसको इनेबल कर लिया। अब जैसे ही मैं यहां पे लॉक करूंगा और अनलॉक करूं मतलब लॉक करूंगा बार बार ऑन करूंगा ना आपको वॉलपेपर जो है बार बार चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो यही लॉक स्क्रीन मैगजीन का फीचर है, देख सकते हैं काफी अच्छे से जो है हमारा वर्क कर रहा है और हर बार देख सकते हैं आप चेंज हो रहा है। जो अभी तक यहां पे चेंज नहीं हो रहा था वो भी अब चेंज होने लग गया। अभी आपको मैंने दिखाया था जितनी बार मैं ऑन ऑफ कर रहा था तो वो आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे, बट यहां पे काफी अच्छे तरीके से जो है यहां पे वॉलपेपर चेंज हो रहा है और लॉक स्क्रीन मैगजीन भी काफी अच्छे तरीके से हमने इनेबल कर लिया है। तो अगर आप यहां पे Realme का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं और लॉक स्क्रीन मैगजीन अगर आपने इनेबल नहीं किया है तो पूरी मैंने यहां पे आपको इस वीडियो थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाई, और जो मैंने इंटरनेट का मेथड बताया उसके मेथड से जो है आप डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स यहां पे यूज कर सकते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक इंटरनेट के थ्रू जो है अपडेट होने वाली है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसी यहाँ पे ग्लैंस फॉर Realme में आना है, ठीक है। वो पहले लॉक स्क्रीन का जो मैगजीन का डायरेक्ट यहाँ पे फीचर दिया जाता था बट उसको अभी कन्वर्ट कर दिया है ग्लैंस में, ठीक है। तो आपको अगर लॉक स्क्रीन मैगजीन ओपन करनी पड़ेगी तो आपको इस ग्लैंस को ओपन करना पड़ेगा, इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप इस फीचर को इनेबल नहीं करते हैं तो आपका ये फीचर वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। तो होपली इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई होगी यहाँ पे लॉक स्क्रीन मैगजीन को लेकर कैसे इनेबल करना है, पूरी प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोवाइड करवा दी है। तो दोस्तों, होपली इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये ट्रिक वर्क करती है तो। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा वीडियो अपलोड करते मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच।